जेठानी की अमीर देवरानी। देवरानी जेठानी के बीच खींचातानी तो पुरानी बात है। अरे कौन देवरानी को छोटी बहन समझता है ना जी, जेठानी को दूसरी सास ही समझते हैं। जरा इस घर की कहानी देखिए। दोनों बहुएं आ गई, अब मैं आराम से मरूंगी। माँ, मरने के लिए या जीने के लिए बहू लेकर आए हम लोग? और नहीं तो क्या माँ, देख मेरी बीवी दहेज में क्या क्या लाई है, ऐसी चीजें जो हम लोगों ने कभी देखी भी नहीं थी। क्या नहीं देखा था देवर जी? कौन सा रसोई में रॉबर्ट काम कर रहा है, या फिर हम लोगों का घर सेंट्रल एसी हो गया? अरे अब ना तू मत शुरू हो जा, सच तो कह रहा है ये। गद्देदार सोफे, मसाज की कुर्सी, और ये देख कितनी सुंदर पेंटिंग, ये सब कहाँ था हम लोगों के घर में? अच्छा, जो मैं शादी में अपने हाथ से पेंटिंग बना कर लाई थी, वो क्या थी जो 10 साल से घर की दीवार पर लगी थी? वो पेंटिंग नहीं, नमूना था बहू, दो हरे तोते के बीच में वेलकम। और वो चादर जो लू कढ़ाई करके लाई थी, कभी पढ़ा भी था उस पर क्या लिखा था? आई लव यू। अरे अब क्या यही स्टैंडर्ड था इस घर का, गांव की देसी गवार। अरे छोटी को देख, MF हुसैन की पेंटिंग वाली बॉम्बे डाइंग की चादर, और न जाने क्या क्या। सही बोल रहा है बेटा। बड़ी बहू को तो मानो काटो खून सूख जाता है। वो सोच लेती है कि घर वालों को उसकी और उसके गांव की अहमियत बताकर रहेगी। वक्त बीतता है, छोटी को घर वालों का शय मिलता है तो वो भी सर पर चढ़ जाती है। क्यों दीदी, क्या करते हैं आपके पापा? वैसे सुना है गाँव में है कहीं आप लोगों का घर? हाँ, गांव की ही तो है ये, पापा इसके किसान है। वो क्या है ना, शहर में शादी करना कौन नहीं चाहता, हम लोगों को भी लगा कि बड़ा परिवार है, पिता क्या क्या जिम्मेदारी निभाएगा, तो ले आए इसे ब्याह कर कर। हाँ तो बहू के ऐसे कौन से गुण थे जो मुझ में नहीं थे? कितनी बार तो आस पड़ोस की पड़ोसने तक आपको मेरी तारीफ करके गई है। याद है जब आप गिरी थी सीढ़ी से, तो मैं ही थी जो हाथों से उठाकर बेड पर लिटाया था। गांव का खान पान था शुद्ध, वरना आजकल की शहर की लड़कियां कटोरी पानी का तो उठाया नहीं जाता इन लोगों से। हाँ भाभी, क्योंकि हम लोग नाजों से पले हैं, फूल की तरह। वैसे भी क्या करना है भार उठाकर, जब पापा ने इतना सब दे दिया है तो। ठीक है, तो अब तो यही रही, अब तो यही देखना है कि गाँव की गवार और गरीब, या शहर की तितली अमीर। ये भी क्या बात हुई बड़ी, कैसी बहकी सी बात कर रही है। अरे छोटी से तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। देख माँ, तेरी दोनों बहुएं हैं, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती, वैसी ही हर कोई बहू एक जैसी नहीं होती, समझी? तो क्यों बार बार दोनों को कंपेयर करती रहती है? मैं कहाँ तुलना कर रही हूँ, तुलना तो वो ऊपर वाला ही करके भेजा है। वैसे छोटी बहू, जरा वो बाल सुखाने वाली मशीन से मेरे बाल तो सुखा देना। सास बार बार छोटी के सामने बड़ी को छोटा दिखाने की कोशिश करती है। फिर एक रोज, उम्मा जी मैं ना शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, कल इनकी सैलरी आई है ना, तो बोल रहे हैं कि शॉपिंग पर चलो। हाँ जाओ बहू, और मुझे भी ले चलो, वो क्या है ना कुछ सामान छोटे मोटे मुझे भी लेने थे। बड़ी भी वहीं खड़ी होती है। सुन, शाम का खाना बना कर रखना, और कभी तू भी चली जाया कर शॉपिंग वॉपिंग पर। माना गांव में माल नहीं होते और ना ही पैसे, लेकिन अब तो तू शहर की बहू हो गई है ना। मेरे पास सारा सामान है, मैं क्यों जाऊँ? आप लोग जाओ, और हाँ मेरी सहेली के घर खाना है तो मैं और मेरा परिवार बाहर ही खाएगा, आप लोग भी खा कर आना, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी छोटी बहू है ना, वो बड़े घर की है, उसे तो 5 स्टार में खाने का शौक है, क्यों बहू? छोटी कुछ नहीं कहती, पर अपने पति से कहती है। क्या है ये, तुम्हारी माँ मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अरे भाभी के साथ क्यों नहीं जा रही उनकी सहेली के घर, हम मियाँ बीवी घूमे या इनको टांग ले। तुम्ही तो हर बार माँ की हाँ में हाँ और भाभी की बेइज्जती करती रहती हो। वैसे भी माँ को शुरू से ही दिखावा पसंद है, लेकिन भैया को गांव की भाभी पसंद आ गई थी तो माँ ने हाँ कर दी शादी की। खैर बात आई गई हो जाती है।
सासू माँ छोटी के साथ शॉपिंग में जाती है, जहाँ वो खूब सारी शॉपिंग करती है। चलो अब कुछ खाया जाए, वो क्या है ना, बड़ी तो है नहीं घर पर। माँ कुछ पैसे बचे होते तब तो बाहर खाना खाते ना, एक फूटी कोड़ी नहीं छोड़ी आपने। हाय रे बहू, इतना पैसा है तुम लोगों के पास, कैसी बात कर रही है। सास ने दो चार साड़ी क्या ले ली। अरे बस बस अब लड़ो मत, मैं तो बोल रहा हूँ चलो कुछ पैक करा लेते हैं। सभी मुंह फुलाकर घर आते हैं, जहाँ घर में खाने की खुशबू आ रही होती है। हाय रे, दो ब्रेड खिलाकर ले आए। बड़ी बहू क्या बना है खाने में, तू तो बोल रही थी कि बाहर खाना खाएंगे। नहीं माँ जी, कुछ नहीं बनाया, मेरी सहेली ने आप लोगों के लिए भी पैक करके दिया था खाना, मैंने सोचा अगर आपको कुछ बाहर नहीं मिला होगा तो। हाय रे, पूरी कचौड़ी इसे खाए तो जमाना हो गया, अब पनीर की सब्जी तो देखो। कुछ समय बीतता है, एक दिन छोटा बेटा कहता है, माँ माँ मेरी नौकरी नहीं रही, देश में फिर से वायरस बढ़ रहा है, लॉकडाउन के कारण मुझे नौकरी से निकाला गया। मेरी भी नौकरी छूट गई, अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा, छोटे की भी नौकरी नहीं रही और ना ही मेरी, क्या करेंगे हम। हाय रे बेटो, ये क्या बात हुई, वैसे परेशान होने की क्या बात है, छोटी के पापा के पास बहुत सारा पैसा और बड़ा घर है ना, तो हम लोग वहीं चले जाते हैं रहने। तभी छोटी बोल पड़ती है, हाँ हाँ धर्मशाला है ना, वैसे भी मेरी भाभी किसी को पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती कि घर में ज्यादा लोगों का आना जाना हो, और उन लोगों का बिजनेस भी लॉकडाउन के कारण बैठ गया है। वैसे बाहर निकलना सेफ भी नहीं है, वायरस हर किसी को लग रहा है, ऐसे में ना तो बाहर जाओ और ना ही बाहर से कुछ लाओ। लेकिन बेटा मैं तो सांस की मरीज हूँ, कैसे काम करूँगी, बाहर निकलकर शुद्ध हवा में वॉक नहीं करूँगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तभी बड़ी बहू आती है, वैसे आप लोग बुरा ना माने तो मेरे पास आइडिया है, क्यों ना हम मेरे पापा के पास गांव जाकर रहें, वैसे हम लोगों का वहाँ बड़ा मकान है, घर का शुद्ध अनाज और दूध, गांव की ताजी हवा और वातावरण, जब तक यहाँ सब ठीक नहीं होता वहीं चलते हैं, क्यों। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ क्योंकि चारा भी कोई नहीं है और इससे अच्छा मौका भी। बहू माफ कर दे, मैं झूठी शान और शौकत में रह गई, लेकिन तूने ही हम लोगों को बुरे समय से बाहर निकाला है।